अबे ओ हीरो, हटा ले अपनी साबुनदानी। बॉस्टर्ड, नहीं तो साबुन समेत कुचल डालूंगा। बच्चा मर जाता तो? है? उसकी जान की कीमत चुका दी जाती और क्या? जान की कीमत? हाँ, गरीबों को औलाद से ज्यादा पैसा अजीज होता है, और मैंने ऐसे सौदे बहुत किए। सौदे की माँ की आँख। ए सुन, ये सड़क है, कोई स्टूडियो नहीं जा, तेरी हीरो के नहीं चलेगी। जा अपना काम कर। मैं भी कोई महलों से निकल के हीरो नहीं बना, पहले सड़क छापी था। मेरा लगाव का नाम सुना है? अरे गोविंदा, गोविंदा, आप फिल्म स्टार गोविंदा है ना? अबे भगता कहाँ है मोशे वाले? मैं आपसे मिलता हूँ, देखने के बाद आपसे मिलता हूँ। अरे तू कहाँ भाग रहा है? चल मेरे साथ। अरे चल हाथ। क्या मुसीबत थी यार? सब हो गया दीनदयाल जी, हमारा सोने से लदा हुआ ट्रक पुलिस ने चेक नाके से पहले ही पकड़ लिया। इस इंस्पेक्टर की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान पर हाथ डालने की? हैं? अरे इसे अपनी वर्दी प्यारी है कि नहीं? ये काम किसी पुलिस वाले का नहीं, ये काम एमएलए के बेटे जय और आपकी बेटी किमी का है। इस किमी की बच्ची को तो मैं बाद में बात करूंगा। किमी, क्या बात है डैडी? मैं पूछता हूँ, चाहती क्या है तू? मैं भीख मांगू, फुटपाथ पर आ जाऊं, खुदकुशी कर लूं, मैं क्या क्या करूं? मैं क्या हुआ आपको, क्यों नाराज हो रहे हो? 25 साल हो गए हैं शादी को, ना तुमने कभी बीवी की तरह साथ दिया और ना इसने कभी बेटी की तरह सम्मान। तुम दोनों हमेशा अपने मन की करती आई। लेकिन हुआ क्या? इससे पूछो, पूछो इससे, कहां थी और किसके साथ? मैं समझ गई, आपको मुझ पर गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मैं जय के साथ थी। मगर डैडी, मैं जैसे प्यार करती हूँ। क्या करें आप, शर्म नहीं आती आपको जवान बेटी पर हाथ उठाते हुए? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, ये संस्कार इसे तुम्हारी गोद से मिले हैं, ये तालीम तुम्हारी दी हुई है, जिसकी वजह से आज इसके जवाब मेरे मुंह पे तमाचे की तरह पड़ रहे हैं। आप ऐसे सवाल करते ही क्यों हैं, जिसके जवाब सर उठाकर दिए ही ना जा सके। आपको जो बात पसंद नहीं उसे समझा भी तो सकते हैं। अरे क्या समझाऊं, क्या समझाऊं, इसकी वजह से आज मेरा लाखों का नुकसान हो गया। कैसा नुकसान? कुछ नहीं, तुम ले जाओ इसे, इसे ले जाओ यहां से। जय जी। पिताजी। बेटा मैंने सुना है तुमने भीमा को ड्रग्स के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये सच है पिताजी, मुझे फक्र है कि तुम मेरे बेटे हो। भीमा के पीछे किन लोगों का हाथ है अब पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता पिताजी वो इतनी आसानी से सब कुछ उगल देगा। बेटे, अश्विनी कुमार की जेल में पहुंचने के बाद गूंगे मुजरिम भी बोलने लगते हैं। तो भीमा उस कैदी का नाम है जो जेल को अपनी रियासत और खुद को शहंशाह समझता है। पर मिस्टर अश्विनी, अब उससे मत उलझिएगा, उससे उलझना मुसीबत को बुलावा देना है और अपनी इज्जत को खतरे में डालना है। आप घबराइए नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा।
फिर भी मैंने आपको सब कैदियों के बारे में जानकारी दे दी है। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हवलदार। यस सर। सारे कैदियों से कह दो कि खाना खाने के बाद मुझे आकार मिले। जी। अरे दीनदयाल जी इतनी मत पियो वरना ये राजधानी की दारू एक दिन आपको बर्बाद कर देगी। देखे मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। तुम जानते हो तुम्हारे अलावा मैं किसी से अपनी परेशानी कह नहीं सकता। क्या बात है? मेरी एक फाइल सत्यनारायण के हाथ लग गई है। तुम जानते हो उसे मेरी जाती दुश्मनी है। अगर कहीं उसने ये फाइल पुलिस को सौंप दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फांसी लग सकती है मुझे, फांसी। इतनी सी बात है? तुमने तो कह दिया बस इतनी सी बात। तुम नहीं जानते सांप के मुंह से मेंढ़की निकालना आसान है लेकिन सत्यनारायण के कब्जे से फाइल निकालना बहुत मुश्किल है। जेके के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें फाइल मिल जाएगी। जेके, अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो जो मांगोगे वो दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारा काम हो गया समझ लो, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी बेटी किमी का हाथ मेरे हाथ में देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे फाइल चाहिए। ओके दीदी, नाउ रिलैक्स। जेके'स वर्क इज ऑलवेज। गुड नाइट। इतनी ज्यादा क्यों पी रहे हैं? क्या करोगी जानकर? तुम मेरी परेशानी को मिटा तो सकती नहीं हो। लेकिन जान तो सकती हूं। शोभा, मैंने राजनीति विष्णुगुप्त चाणक्य से सीखी है। उनका कहना है कि जिस राज के खुल जाने से आदमी मुश्किल में पड़ जाए वो कभी औरत को नहीं बताना चाहिए। जैसे बिल्ली के पेट में दूध नहीं पचता, औरत के पेट में बात नहीं पचती। से भीमा कौन है? मैं पूछता हूं तुम लोगों में से भीमा कौन है? साहब, भीमा अपने आराम खाने में है। तो चूहा अभी तक बिल से बाहर नहीं आया। और ये जेलर साहब, मैंने सारे कैदियों को बुलाया था, तुम क्यों नहीं आए? मुझे पता था लेकिन मैं नहीं आया। एक तो मैं अपने आप को कैदी नहीं समझता, दूसरे वो मेरे आराम का वक्त था। इस जेल में तुम बहुत आराम कर चुके हो, अब तुम्हारा वास्ता एक नया जेलर से पड़ा है। ओ, तो ये नया जेलर मुझे बेआराम कर देगा, इस शहंशाह की रियासत में खलल डाल देगा। यकीनन मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ये गीदर भक्तियां किसी और को देना जेलर, पिंजरे में बंद से ही शेर फिर भी शेर होता है। शायद तुम्हें पता नहीं, शहंशाह अपनी मर्जी से जेल में है, वरना कभी का बाहर चला गया होता। जेल तुम्हारे बाप का घर है ना? बाप का घर ना सही,
ससुराल तो है। राम सिंह। यस सर। दरवाजा खोल दो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो। ले भीमा, तेरे ससुराल का घर खुल गया। अब यहाँ से निकल के भीमा। लगता है शहंशाह के तेवर देखे बिना तुम मानोगे नहीं। तुम्हें इस नए जेलर का तेवर पसंद आया होगा। आइंदा इस वर्दी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना। नहीं। और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। जी। ये जेल एक सुधारगाह है। यहाँ तुम जैसे समाज के बाहर के आदमी को सुधार के फिर से समाज में जीने के काबिल बनाया जाता है। और इस बात को भूलना नहीं।